नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कचार और नगा कागज कल के कार्यकर्ताओं द्वारा 81 कर्मियों की मौत के बाद सिलचर के शमशान घाट में निकाला गया विक्षोभ रैली। प्रदीप प्रज्वलन के जरिए आत्मा की शांति का किया गया प्रार्थना। हालांकि जिले के असम मिजोराम सीमावर्ती क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र के डीआईजी दिलीप ने किया दौरा, जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का दिया आश्वासन। सिलचर के इटखोला क्षेत्र के नतुनपत्ती शांति आवासन फ्लैट में अग्निकांड की वारदात में इलाके में छाई तनाव के माहौल। दमकल विभाग के कार्यकर्ताओं ने आग पर पाया नियंत्रण। करीमगंज जिले के नीलम बाजार थाने में FIR दर्ज किए जाने के दौरान आर्थिक उत्कृत लेने का लगाया जा रहा है आरोप। पुलिस प्रशासन की गतिविधियों पर लग रही है सवाल। बदरपुर पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर ब्राउन सुगर समेत कुछ वाहनों को किया जब्त, आरोपी हुए फरार। कचार और नौगांव जागीर रोड कागज कल के 81 कर्मियों की मौत के बाद उनकी आत्मा के शांति के लिए विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा एक रैली निकाला गया। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस दिन यह रैली निकालकर सीजर के गांधी बाग क्षेत्र से कई क्षेत्र का परिक्रमा कर शमशान घाट क्षेत्र में मौजूद हुए और माँ काली के मंदिर में धूप प्रदीप जलाकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में कागज कल कर्मी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी दुखद माहौल भी देखने को मिली। সিহঁতৰ আত্মাৰ শান্তি কামনাত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আজি লগে লগে নগাঁও কাগজ কলত হৈ আছে আৰু কাছাৰ কাগজ কলত হৈ আছে, করিমগঞ্জত হৈ আছে, হাইলাকান্দিত হৈ আছে, পাঁচগ্ৰামত হৈ আছে। আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ, ভগৱানৰ কাছত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে এই অত্যাচাৰী